कोरोना महामारी के मद्देनजर चिखलदरा जो कि एक पर्यटन स्थल है वह पिछले 4 से 5 महीनों से बंद है। चिखलदरा प्रशासन ने इस ओर ध्यान देते हुए आर्थिक व्यवसाय के बारे में सोचते हुए पर्यटन स्थल को 31 अगस्त से खोलने का निर्णय लिया। आइए जानते हैं लॉकडाउन के दौरान होटल व्यवसायिकों का अनुभव और पर्यटन स्थल को शुरू करने के लिए प्रशासन से दिए दिशा निर्देश। विदर्भ में हिल स्टेशन के रूप में विख्यात चिखलदरा बारिश शुरू होने पर इस ओर पर्यटकों का माहौल रहता है। परिसर में पहाड़ और घाटियां हरियाली से आच्छादित है और कुछ स्थानों पर झरने भी बहते हैं, लेकिन कोरोना की पृष्ठभूमि पर प्रकृति प्रेमी पर्यटकों को क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है, जिसके चलते एसोसिएशन ने होटल बंद का निर्णय लिया था। इस फैसले से गाइड और छोटे व्यवसाय के मालिकों के रोजगार के अधिकार समाप्त हो गए हैं। इस क्षेत्र में लगभग 2000 परिवार को रोजगार मिलता है। यह रिसोर्ट से लेकर छोटे होटल तक, गाइड से लेकर हेल्पर्स तक सब कुछ मिलता है। फिलहाल पर्यटन बंद होने से तकरीबन 10 करोड़ का व्यवसाय ठप हो गया। सर, यहाँ चिखलदरे में ये एक सीज़न टाइम है। ये सीज़न टाइम ऐसा है कि इस सीज़न में चिखलदरा में ज़्यादातर टूरिस्ट आती हैं और यहाँ की खूबसूरती के बारे में हम शब्दों में तो नहीं बता सकते, आप खुद अभी देख रहे हैं। और यहाँ का मुख्य व्यवसाय होटल और टूरिज़्म है। यहाँ पर के सबकी जीवनी इसी पर टिकी हुई है। होटल व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, गाइडिंग, यहाँ का फॉरेस्ट में जंगल सफारी, ये सब बातें टूरिस्ट के ऊपर डिपेंड है। और आज के इस कोरोना काल में, COVID-19 की इस गंभीर परिस्थिति में, ये लगभग 6 महीने से पूरी तरह से बंद है, जिसका सीधा असर यहाँ के सर्वसामान्य व्यक्ति पर पड़ रहा है। आज की परिस्थिति में पूरे विश्व में कोरोना पूरी तरह फैल चुका है। अब हमें ऐसा लगता है कि कोरोना के साथ में रहना ये आज हमारी मजबूरी है, और अगर ये कुछ दिन लॉकडाउन चलता रहा या रोज़गार बंद रहा तो इसका एक बहुत बुरा परिणाम यहाँ की जनता पर पड़ेगा। सरकार ने जल्दी से जल्दी इन बातों को चालू करके इस टूरिज़्म प्लेस को चालू करने को, बेसिक जो सुविधा होना चाहिए वो, जैसे लाइसेंसिंग का होता है, वो तो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने सारे लाइसेंस कम कर दिए हैं, वो एक बहुत अच्छी बात हुई है। और सुविधाओं के बारे में बोले तो जैसे टैक्सेशन है, पानी के रेट्स है, ये नॉर्मल चीज़ें हैं, ये जो सरकार ने थोड़ा सा कंसिडरेशन ऑफ इकोनॉमिकल क्राइसिस ऑफ दिए कोविड के वजह से जो आए हैं, तो उसमें यदि राहत मिल जाए तो ऐसा लगता है कि भाई यहाँ की होटल इंडस्ट्री को नवी एक संजीवनी मिल जाएगी। इन्वेस्टमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से तो थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि सारी इंडस्ट्री अभी लॉकडाउन की वजह से ठप है, और कोई कंस्ट्रक्शन करना चाहता है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट करना चाहते हैं तो मैन पावर के प्रॉब्लम्स है, ये छोटे छोटे प्रॉब्लम्स की वजह से प्रोजेक्ट शुरू नहीं हो पाएगा। प्रशासन ने स्थानीय लोगों की आर्थिक स्थिति समझते हुए 31 अगस्त से पर्यटन स्थल शुरू करने के निर्णय लिया है, लेकिन इसमें भी वही लोग आ सकेंगे जिनके पास ई पासेस है। पर्यटन हा एक चिखलदरा महत्त्वाचा विषय आहे, पण जी परिस्थिती जिल्ह्यामध्ये बाहेर राज्यामध्ये कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता सध्या पर्यटन बंद आहे। माननीय जिल्हाधिकारी महोदय यांच्या आदेशानुसार पर्यटन 31 ऑगस्टपर्यंत थांबवण्याच्या सूचना आहेत, त्याप्रमाणे कारवाई करण्यात येत आहे। महाराष्ट्रातले चिखलदरा हे एक महत्त्वाचं पर्यटन स्थळ आहे, त्यामुळं आणि सध्या पर्यटन काळ असल्यामुळं, पर्यटनासाठी चांगलं वातावरण चिखलदऱ्यामध्ये असल्यामुळं भरपूर पर्यटकांचा चिखलदऱ्याला भेट देण्यामध्ये कल असतो, त्या दृष्टीनं थोडं प्रशासनाच्या दृष्टीनं काळजी अशी घेण्यात आली आहे की चिखलदऱ्यामध्ये जो मेन नाका आहे त्या नाक्यावर जर तुमच्या लोकांकडे ई पास असेल तरच लोकांना ॲलो करण्यात आले आहे, आणि ई पास हा मेडिकल कारणाशिवाय शक्यतो दिला जात नाही, त्यामुळं पर्यटक म्हणून थोडीशी चिखलदऱ्यामध्ये एंट्री सध्या बंदी आहे। तर 31 ऑगस्टनंतर कलेक्टर साहेबांची डायरेक्शन घेऊन शिवसाहेब पर्यटन सुरू करतील का, याकडं थोडंसं बघावं लागेल। यदि पर्यटन स्थल शुरू होने के बाद भी दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया जाता या फिर किसी तरह की स्वास्थ्य परेशानी का सामना स्थानियों का करना पड़ा तो पर्यटन स्थल फिर से बंद करने का अधिकार भी स्थानीय प्रशासन को है। NBCN न्यूज के लिए दीपिका धनेश्वर की रिपोर्ट।